रीड करने के जो तरीके बताए थे ना इम्प्लीकेशन के, पी इम्प्लाइज क्यू को रीड करने के तरीके बताए थे मुकरम, तो पी इम्प्लाइज क्यू में उस वक्त उस पर्टिकुलर कंडीशन में पी क्या था, हाइपोथेसिस था, क्यू कंक्लूजन था, ठीक है। तो उसको कभी कभी पढ़ने का तरीका ये मैंने लिखा हुआ था, क्यू फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ था, क्यू इफ पी लिखा हुआ था, तो इसका मतलब है क्यू पहले लिखा हुआ था, इफ पी लिखा हुआ था, और ऊपर जो मैंने लॉजिकल फॉर्म में लिखा हुआ था वो पी इम्प्लाइज क्यू लिखा हुआ था। दैट मीन्स के एरो से पहले जो भी चीज होती है हाइपोथेसिस होती है, एरो के बाद तो कंक्लूजन होता है, दैट मीन्स क्यू कंक्लूजन था, लेकिन फिर नीचे मैंने लिखा हुआ था क्यू इफ पी, दैट मीन्स के कंक्लूजन पहले आ रहा था और हाइपोथेसिस बाद में आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके के मैंने काफी सारे जो स्टेटमेंट्स लिखवाए अपने पढ़ने के उसको तरीके लिखवाए थे, उनको देखकर पता चल जाता है, वो बुक में भी लिखे हुए हैं, मैंने भी लिखवाए थे क्लास में। आई होप के आप देख लेंगे दोबारा। हम कंटिन्यू करते हैं अगेन। क्लास को तो इफ पी इंप्लाइज क्यू इज अ प्रोपोजिशन, देन क्यू इंप्लाइज पी इज कॉल्ड व्हाट, कन्वर्स ऑफ दैट इंप्लीकेशन, ठीक है, कि पी इंप्लाइज क्यू इज प्रोपोजिशन, अगर हाइपोथेसिस कंक्लूजन बन जाए और कंक्लूजन हाइपोथेसिस बन जाए, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, कन्वर्स ऑफ दैट प्रोपोजिशन, एक दूसरे का क्या कहलाएंगे, कन्वर्स कहलाएंगे, हाइपोथेसिस कंक्लूजन बन जाए और कंक्लूजन हाइपोथेसिस बन जाए, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, कन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो पी इंप्लाइज क्यू का कन्वर्स क्यू इंप्लाइज पी पी होता है, ठीक है। इसी तरीके से कंट्रा पॉजिटिव होता है, पी इंप्लाइज, इफ पी इंप्लाइज क्यू इज अ प्रोपोजिशन, देन नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी इज कंट्रा पॉजिटिव, और उसके अलावा एक थर्ड चीज इज इनवर्स, के पी इंप्लाइज क्यू अगर प्रोपोजिशन है तो नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू इज इनवर्स, ठीक है। अब एक मिनट में एनोटेशंस ले लूं, ठीक है। इफ इट स्नोज द ट्रैफिक मूव्स स्लोली, इसका मतलब है पी क्या है, इट स्नोज, क्यू क्या है, द ट्रैफिक मूव्स स्लोली, ठीक है। इस तरीके का भी फॉर्म हमने कहा था, इसमें इफ बीच में नहीं आ रहा है, इफ शुरू में आ रहा है, तो पहली जो भी स्टेटमेंट है दैट इज प्रोपोजिशन, दैट इज आपकी हाइपोथेसिस, एंड सेकंड स्टेटमेंट जो भी लिखी हुई है दैट इज कंक्लूजन। सो ये लिखा हुआ पी इंप्लाइज क्यू, अगर इसका कन्वर्स लिखना है तो क्या होगा, इफ ट्रैफिक मूव्स स्लोली देन इट स्नोस, दिस इज कन्वर्स ऑफ दिस प्रोपोजिशन। अच्छा, इनवर्स कन्वर्स की एग्जांपल करने से पहले एक काम करते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनता है आपको पता है, स्क्रीन तो मेरी नजर आ रही होगी। सो लेट सपोज हमारे पास P है एंड Q है, इनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगी, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ओके। और आपको पता है P implies Q क्या होता है, जिन बच्चों को पता है वो बता सकते हैं, क्लास में होते तो वो फौरन बता रहे होते, ट्रू फॉल्स ट्रू एंड ट्रू। और कन्वर्स क्या होता है पी इंप्लाइज क्यू का, क्यू इंप्लाइज पी इज कन्वर्स ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा,
इसका ट्रुथ टेबल ये हमने कर, मेरे ख्याल में मेरी क्लास में नहीं करवाया था अब तक. सॉरी, Q implies P. एक सेक्शन को करवाया था, एक सेक्शन को नहीं करवाया था, शायद आपको नहीं करवाया था. बहरहाल चलें. सो कन्वर्स ऑफ दैट इज Q implies P, तो ये क्या होगा? ट्रू. देन ट्रू, देन फॉल्स, देन ट्रू. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? इनवर्स. P implies Q का इनवर्स होता है नॉट P implies नॉट Q. नॉट P implies नॉट Q. नॉट P implies नॉट Q के लिए आप ये अज्यूम करें कि मैंने यहां पर, चले यहां पर लिख लेते हैं थोड़ा सा जगह बनाकर, नॉट P और नॉट Q लिख लेते हैं. तो ये नॉट P लिख लेते हैं हम और नॉट Q यहां पर लिख लेते हैं. नॉट P क्या होगा? जब P ट्रू है तो नॉट P फॉल्स, जब P ट्रू है तो नॉट P फॉल्स, और जब P फॉल्स है तो नॉट P ट्रू. एंड हेयर आल्सो P विल बी ट्रू एंड Q, नॉट Q विल बी फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू. तो व्हेन हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड कंक्लूजन इज फॉल्स, ओनली एट दैट टाइम दिस इम्प्लीकेशन विल बी फॉल्स एंड ट्रू अदरवाइज डेफिनेशन के हिसाब से. ठीक है. और थर्ड थिंग क्या लिखी हुई है? कंट्रापॉजिटिव. कंट्रापॉजिटिव क्या होता है? P implies Q का कन्वर्स था Q implies P, P implies Q का इनवर्स था नॉट P implies नॉट Q, और फाइनली कंट्रा पॉजिटिव होता है, कंट्रा पॉजिटिव इसका होता है नॉट Q implies नॉट P, नॉट Q implies नॉट P. जो पेन पेपर लेकर बैठे हैं वो लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा होगा. सो इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा? नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी. नॉट क्यू दैट मीन्स के ये हाइपोथेसिस है, नॉट पी इसका मतलब है ये कंक्लूजन है. नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी ये हाइपोथेसिस है, ये कंक्लूजन है. ऐसी ऐसी कंडीशन जब हाइपोथेसिस ट्रू है कंक्लूजन फॉल्स है. हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स, उस वक्त ये फॉल्स होगा एंड ट्रू अदरवाइज. ठीक है. अब जरा गौर कीजिए जो मैं बताने जा रहा हूं. दैट इज आपकी प्रोपोजिशन क्या थी? एक्चुअल प्रोपोजिशन है P implies Q. इस P implies Q का कॉलम देखें और इसके कंट्रा पॉजिटिव का कॉलम देखें, दैट इज नॉट Q implies नॉट P. इस कॉलम को देखें तो दोनों एग्जैक्टली सेम है कि जब जब P implies Q implication ट्रू होती है इसका कंट्रा पॉजिटिव भी ट्रू है, जब P implies Q फॉल्स है कंट्रा पॉजिटिव भी फॉल्स है. एग्जैक्टली सेम कॉलम है. सो इन दिस केस दीज टू लॉजिकल जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, ये जो आपकी दो लॉजिकल प्रोपोजिशंस हैं, ये दो लॉजिकल प्रोपोजिशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है. व्हाट इज, क्या कहते हैं इसको? दीज टू आपके जो भी प्रोपोजिशंस हैं, ये दोनों प्रोपोजिशंस कंपाउंड प्रोपोजिशंस दोनों इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि दोनों का अगर हम कॉलम देखते हैं तो देखें ट्रुथ वैल्यूज. जब इस पहले आपकी प्रोपोजिशन की ट्रू है तो दूसरे प्रोपोजिशन की ट्रू है, जब पहले प्रोपोजिशन की फॉल्स है तो दूसरे प्रोपोजिशन की फॉल्स है. इन द सेम वे अगर आप देखें तो प्रोपोजिशन P implies Q का आपने ये जो कन्वर्स लिखा था ये तो P implies Q के इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि जब ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, जब ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है. P implies Q प्रोपोजिशन का जो कन्वर्स था वो P implies Q प्रोपोजिशन के इक्विवेलेंट नहीं है. लेकिन गौर करेंगे तो P implies Q का कन्वर्स इक्विवेलेंट है P implies Q के इनवर्स से. ठीक है. P implies Q का कन्वर्स इक्विवेलेंट है P implies Q के कन्वर्स से. ये देखें ये दोनों कॉलम सेम है, यहां पर ट्रू है तो यहां पर भी ट्रू है, यहां पर ट्रू, यहां पर ट्रू, यहां पर फॉल्स, फॉल्स एंड देन ट्रू, ट्रू. इसका मतलब है ये हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है. हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि कंट्रा पॉजिटिव ऑफ an implication is equivalent to implication itself. Contrapositive
of an implication is equivalent to implication itself, and converse of a proposition is equivalent to inverse of that proposition. Converse of a proposition is equivalent to inverse of that proposition. क्लियर है ये ऑब्जर्वेशन? क्लियर है? जिन जिन को क्लियर है वो जस्ट रेज योर हैंड्स. दो तीन चार पांच छह सात आठ. जिनको थोड़ा थोड़ा क्लियर है, दोबारा देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, वो जरा हैंड रेज करें. फिर भी आठ ही हैं. चलें, दो हैंड रेज हो गए, इलेवन पर पहुंच गया. ओके, नाउ बाय डायरेक्शनल. बेटा मैसेजेस नहीं टाइप करें, मैसेजेस पढ़ूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे? अच्छा बच्चों को इन कर लें. ओके, वेटिंग में है कोई? वेटिंग में तो कोई भी नहीं है. सीआर स्क्रीनशॉट्स ले लें. द नेक्स्ट इज बाई डायरेक्शनल. बेटा बाई डायरेक्शनल जिसका सिंबल आपके पास टू साइडेड एरो है, और क्या था लास्ट टाइम मैंने जैसे डेफिनेशन लिखा था, पी एंड क्यू आर प्रोपोजिशनल प्रोपोजिशंस, देन बाई डायरेक्शनल पी और उसके बाद बाई डायरेक्शनल का सिंबल क्यू, उसको रेट कैसे करते हैं? पी इफ एंड ओनली इफ क्यू. क्या लिखा हुआ है? पी if and only if q. दूसरा रीड करने का तरीका होता है p if लिखा होता है लेकिन डबल f के साथ, p if q. That means is true only when both p and q have same truth values. का मतलब क्या है? When p and q have same truth values, दोनों की same, that means के दोनों जब true हो या जब false हो तो बाई डायरेक्शनल ट्रू होता है. व्हेन बोथ पी एंड क्यू हैव सेम ट्रुथ वैल्यूज तो बाई डायरेक्शनल ट्रू होता है, एंड फॉल्स अदरवाइज. टू ट्रुथ वैल्यू ऑलवेज एग्री. व्हेन टू ट्रुथ वैल्यू ऑलवेज एग्री, एग्री का मतलब है दोनों सेम होती है, दैट इज जब दोनों फॉल्स हो तो ट्रू है, जब दोनों ट्रू हो तो ट्रू है. इसमें से एक और ऑब्जर्वेशन निकल रही है कि ये जो बाई डायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल अगर हम निकालते हैं से पी जोर क्यू, ये पी जोर क्यू कब ट्रू होता है? एक्सक्लूसिव आर. पी जोर क्यू कब ट्रू होता है? इसकी ट्रुथ वैल्यूज क्या होती हैं? लास्ट टाइम भी पढ़ चुके हैं और लॉजिकल गेट्स में भी पढ़ा था. और की वैल्यू मैंने आपको पढ़ाई थी, और कब ट्रू होता है? और ओ आर और जो आपके लॉजिक के अंदर आपका और तब ट्रू होता है जब व्हेन पी इज ट्रू और क्यू इज ट्रू और बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, राइट? लेकिन लॉजिकल जोर कब ट्रू होता है, एक्सक्लूसिव आर कब ट्रू होता है? व्हेन ओनली वन इज ट्रू, देन लॉजिकल जोर इज ट्रू एंड इट इज फॉल्स अदरवाइज. ठीक है, जब दोनों ट्रू हो तो फॉल्स होता है, जब दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स होता है. ये मैंने शायद आपके एक सेक्शन में एग्जांपल दी थी या नहीं दी थी. फॉर एग्जांपल जो आपकी नेचुरल लैंग्वेज होती है इंग्लिश या उर्दू, उसमें जो आप आर कहते हैं उसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव आर. एक्सक्लूसिवली आपको बताना नहीं पड़ता, इम्प्लिसिट होता है कि आर का मतलब होता है कि कोई एक चीज. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आई विल ईट मैंगो आर बनाना, तो इंग्लिश के हिसाब से आप कहेंगे या तो मैंगो खाएंगे या बनाना खाएंगे. मेरी स्टेटमेंट ये कह रही है, मेरी स्टेटमेंट तब ट्रू नहीं है जब मैं दोनों चीजें खाऊंगा, इंग्लिश के हिसाब से बता रहे हैं. ठीक है, तो उसमें आपको एक्सप्लिसिटली बताना नहीं पड़ता कि कोई एक चीज खाऊंगा, लेकिन एक्सक्लूसिव आर में इसका मतलब है हमें एक्सक्लूसिवली बताना पड़ेगा कि दोनों में से कोई एक चीज. हम सिंपल आर कहेंगे, लॉजिकल लैंग्वेज में सिंपल आर कहेंगे
तो लॉजिकल लैंग्वेज में जब दोनों पी एंड क्यू दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है तो भी और की कंडीशन ट्रू होती है। तो मैंने कहा था यहाँ पर जो हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो आपकी बाई डायरेक्शनल है ये एक्सक्लूसिव आर का निगेशन है। एक्सक्लूसिव आर के कॉलम को देखें जरा और बाई डायरेक्शनल के कॉलम को देखें तो एक्सक्लूसिव आर का जो कॉलम है वो बाई डायरेक्शनल का निगेशन है कि जब बाई डायरेक्शनल फॉल्स है तो एक्सक्लूसिव आर ट्रू है, जब बाई डायरेक्शनल फॉल्स है एक्सक्लूसिव आर ट्रू है, जब बाई डायरेक्शनल फॉल्स है एक्सक्लूसिव आर ट्रू है, जब बाई डायरेक्शनल ट्रू है एक्सक्लूसिव आर फॉल्स है। तो एग्जैक्टली एक दूसरे के निगेशंस हैं। बहुत सारी चीजें जो बुक में नहीं लिखी हुई थी आपको, क्योंकि हमने कहा था कि ये जो सब्जेक्ट है ये जो लॉजिक है ये आपकी लॉजिक बिल्डिंग के लिए है, ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड करने के लिए, तो ये चीजें आपको देखनी है। अच्छा, उसके बाद ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है तो ये मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ। ट्रुथ टेबल आपको आई होप के कंस्ट्रक्ट करना आता है, पी लिखा हुआ है क्यू लिखा हुआ है और देन आपको ट्रुथ टेबल किसका निकालना है, पी इम्प्लाइज क्यू एंड नॉट क्यू, और उसके बाद डबल इम्प्लीकेशन क्यू लिखा हुआ है। ट्रुथ टेबल कंसिडर करने का टॉपिक मैं आपको करवा नहीं रहा हूँ, आई अस्यूम कि ये आपको कर लेंगे आप। ट्रुथ टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक एक कॉलम उसने कंस्ट्रक्ट करके दिखाया, बहरहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू और फॉल्स, कंप्यूटर में हम ट्रू और फॉल्स नहीं लिखते, कंप्यूटर में क्या लिखते हैं, जीरोस एंड वंस लिखते हैं। जीरो का मतलब होता है फॉल्स एंड वन का मतलब होता है ट्रू। तो यूजुअली आपका वेरिएबल टेक्स ऑन जीरोस एंड वन इज कॉल्ड बुलियन वेरिएबल, पढ़कर आ चुके हैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। बिट स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वन, बिट स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस होता है। द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज नंबर ऑफ बिट्स इन द स्ट्रिंग। बिट स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या है, सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस। अब मैं एक सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस रैंडमली लिख रहा हूं, दो सीक्वेंसेस लिख रहा हूं, आप उस पर बिट वाइज ऑपरेटर परफॉर्म करके मुझे आंसर्स बताएंगे, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल एक लिख रहा हूं 1 0 0 1 1 0 1 0 1 और एक और बिट स्ट्रिंग लिख रहा हूं 1 1 0 0 0 1 1 0 1। बिट वाइज एंड का रिजल्ट कौन मुझे बताएगा, बिट वाइज एंड, एनीवन जस्ट रेज योर हैंड, बिटवाइज एंड का रिजल्ट कौन बताएगा। जी शाहरुख, अनम्यूट करें। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। 1 1 का एंड होगा सर, 1 1 1 और जी बोले 0 0 0 1 1। सर इधर से नहीं उधर से लिखें सर, मैं उधर से कर रहा था। स्टार्ट इधर से करते हैं। हाँ ठीक है सर। सर दोबारा से, सर 1 1 का 1, 0 1 का 0, 1 0 का 0, 0 0 का 0 और 1 0 का 0, 1 1 का 1 और 0 1 का 0 और 0 0 का 0। और कौन लिखवाएगा, और बिट वाइज और जी। नेम सिद्दीक, फर्स्ट 0 1, फर्स्ट में 1, पहले ऊपर लिख लेता हूँ 1 1 1
जीरो वन सर वन वन देन वन वन जीरो जीरो वन 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 जीरो वो सॉरी वन अगेन वन जीरो एंड वन एक्सक्लूसिव आर कौन लिखवाएगा एक्सक्लूसिव आर हुसैन अब्बास बेटा राफेज और शाहरुख बस कोशिश कर रहे हैं बाकी बच्चों को इन्वॉल्व करें ठीक है इसके लिए आपको बाहर ही नहीं दे रहे हाँ। जी बेटा एक्सक्लूसिव आर बोलना शुरू करें सर मैं बताऊं सैयद हुसैन हुसैन अब्बास माइक इनका काम नहीं कर रहा है मुकरम सर वन आएगा पहले में तो पहले में वन आएगा चले ठीक है सर फिर वन आएगा पहले में जीरो आएगा एक्सक्लूसिव आर बोल लेना जी एक्सक्लूसिव आर का मतलब होता है जब सिर्फ कोई एक वन हो तो वन ओके सर आवाज आ रही है हेलो जी जी आ रही बेटा हेलो बोले बेटा आ रही आवाज हेलो जी तानूर यस सर सर पहले में सर जीरो है हाँ सर फिर वन है वन है सर फिर वन है फिर सर जीरो है फिर सर जीरो है वन है सॉरी फिर सर जीरो है फिर सर वन है फिर सर जीरो है फिर सर जीरो है ठीक है तो बेटा एक्सक्लूसिव आर में वन तब आता है जब ओनली वन इज दोनों में से कोई भी एक वन हो तो ठीक है एक्सक्लूसिव आर तो कहते हैं इसको है बेरा आगे चलते हैं कम आप करें बोल यहाँ पर एप्लीकेशंस लिखी हुई है बहुत सारी ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस जो थोड़े थोड़े आप करते हुए आ रहे हैं इन्फ्रेंस एंड रीजनिंग में आपकी प्रोपोजिशनल लॉजिक यूज होती है जिसमें आपके डिफरेंट टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम्स ऑटोमेटिक थ्योरम प्रूवर्स वगैरह जो होते हैं उनमें आपका यूज होता है उसके अलावा डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन जो आपका सर्किट डिजाइन पढ़ते हैं उनमें आपकी प्रोपोजिशनल लॉजिक यूज होती है सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन क्या लिखी हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंस के आपके ट्रांसलेशन में तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का एक सेंटेंस लिखा हुआ इफ यू आर ओल्डर देन 13 यू आर विथ योर पेरेंट्स देन यू कैन अटेंड अ पेरेंट ग्रेड 13 मूवी दिस इज एन इंग्लिश स्टेटमेंट इंग्लिश सेंटेंस लिखी हुई है आपको इसको लॉजिक की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है इंग्लिश या नेचुरल लैंग्वेज को लॉजिक में क्यों ट्रांसलेट कर रहे हैं थोड़ी देर पहले हम बता चुके हैं लास्ट की क्लास में बता चुके हैं क्योंकि जो सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस होती हैं कोई भी सिस्टम आप डिजाइन करने चाहते हैं चाहे हार्डवेयर चाहे सॉफ्टवेयर उसकी जब आप रिक्वायरमेंट्स गैदर करके आते हैं वो स्पेसिफिकेशंस अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश या और कोई नेचुरल लैंग्वेज जिसमें एम्बिग्यूटी होती है जिसमें कई सारे सेंटेंसेज होते हैं जिनकी डिफरेंट मीनिंग्स निकल सकती हैं लेकिन लॉजिक वाली लैंग्वेज में सिर्फ एक मीनिंग निकलती है उसमें से इन्फ्रेंसेस निकालना आसान है समझना आसान है तो इसके लिए हम उन इंग्लिश को लॉजिक की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहला जो आपका एक इंग्लिश की स्टेटमेंट लिखी है इफ यू आर ओल्डर देन 13 यू आर विद योर पेरेंट्स देन यू कैन अटेंड पेरेंट ग्रेड 13 मूवी सो हाउ वी विल ट्रांसलेट इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू लॉजिक तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा आपको लॉजिकल कनेक्टिव्स के वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे क्या लिखा हुआ है इफ
और यहां पर लिखा हुआ है देन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लॉजिकल कनेक्टिव्स के वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, जब लॉजिकल कनेक्टिव्स के वर्ड्स मिलते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कनेक्टर्स कौन से यूज कर रहे हैं। इफ यू आर ओल्डर देन 13 और यू आर विथ योर पेरेंट्स, एक और वर्ड मिल गया और, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स, वो वर्ड्स जो लॉजिकल कनेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो वर्ड्स ढूंढ लें। नेक्स्ट स्टेप इज इन द लॉजिकल कनेक्टिव्स के बीच में जो स्टेटमेंट है वो आपकी एटॉमिक या बेसिक प्रोपोजिशंस हैं, एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस। यू आर ओल्डर देन 13 एक प्रोपोजिशन हो गई, यू आर विथ योर पेरेंट्स एक और प्रोपोजिशन हो गई, यू कैन अटेंड पेरेंट ग्रेड 13 मूवी, ये तीसरी प्रोपोजिशन हो गई। तो तीन हमारी सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स ढूंढे, सेकेंड स्टेप में हमने एलिमेंट्री या बेसिक प्रोपोजिशंस जो हैं या एटॉमिक प्रोपोजिशंस है वो निकाली, तीन प्रोपोजिशंस आ गई। थर्ड आप हम क्या करते हैं, इन जो एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस है इनको वेरिएबल असाइन करते हैं, पी क्यू आर इस तरीके के वेरिएबल असाइन करते हैं, देन हम उसको लॉजिकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एक कंपाउंड प्रोपोजिशन की सूरत में लिख सकते हैं। तो इसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले पास करते हुए क्या किया, इफ देन यू आर ओल्डर देन 13 और यू आर विद योर पेरेंट्स देन यू कैन अटेंड। तो एटॉमिक या एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस कौन सी हैं, यू आर ओल्डर देन 13 उसको हम पी क्यू आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पर इस ऑथर ने कैपिटल एबीसी से रिप्रेजेंट किया है। सेकेंड स्टेटमेंट इज यू आर विद पेरेंट्स एंड थर्ड स्टेटमेंट इज यू कैन अटेंड पेरेंट ग्रेड 13 मूवी, और ट्रांसलेशन क्या बनी, ए आर बी इम्प्लाइज सी। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रेसिडेंस बता दी थी, लॉजिकल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस बता दी थी, एनीवन? जी साथ सर, नहीं बताई थी, नहीं बताई थी, तो अभी बता देते हैं। जो प्रेसिडेंस होती है लॉजिकल ऑपरेटर्स में, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस सबसे पहले होती है निगेशन की, उसके बाद कंजक्शन की, उसके बाद डिसजंक्शन की, उसके बाद इम्प्लीकेशन की, और सबसे लास्ट में आपकी बाई डायरेक्शनल की, और ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंस होती है आपकी पेरेंथेसिस की, जब आपको कहीं कंफ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पेरेंथेसिस यूज कर लें। ओके, तो यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है, तो जो सॉल्व हो रहा होगा या रिजॉल्व हो रहा होगा, तो ऐसा नहीं है कि पहले बी इम्प्लाई सी पहले सॉल्व होगा और उसके बाद ए और बी होगा, ऐसे कतन नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है, प्रेसिडेंस पहले और वाले ऑपरेटर की ज्यादा है, तो हमें कोई ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, पहले ए और बी लिखा हुआ है देन इम्प्लाइज सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्चुअली जो ये लिखा हुआ है, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो पहले ए और बी होगा, दैट मीन्स के ये इस तरीके से है, ए और बी पहले होगा देन इम्प्लाइज सी है, ठीक है। ये प्रेसिडेंस भी आपके बुक में लिखी हुई है, तो स्टेप वन क्या लिखा हुआ, फाइंड द लॉजिकल कनेक्टिव्स, ये चीजें मैं बता चुका हूं जो नेक्स्ट स्लाइड्स आ रही है। स्टेप वन फाइंड द लॉजिकल कनेक्टिव्स, इफ एग्जाम्पल लिखी हुई है यहां पर एक और, यू कैन हैव अ फ्री कॉफी इफ यू आर सीनियर सिटीजन एंड इट इज ट्यूजडे, बल्कि आप मुझे ट्रांसलेट करके दिखाएं, कौन कर सकता है, यू कैन हैव अ फ्री कॉफी इफ यू आर सीनियर सिटीजन एंड इट इज ट्यूजडे, कौन ये कोशिश कर सकता है इसको ट्रांसलेट करने की, जस्ट रेज योर हैंड्स, जिन जिन से पूछूंगा वो मुझे जवाब देते जाएंगे। क्या क्लास में दो तीन बच्चे ही हैं, बाकी कहां गए? जी ओसामा, सर इसमें हमारे पास वो तीन प्रोपोजिशंस बन जाएंगे, एक पहले लॉजिकल कनेक्टिव्स बताएं, ओसामा पहले मुझे लॉजिकल कनेक्टिव्स बताएं, कौन कौन से नजर आ रहे हैं सर, एक इफ है और एक एंड, इफ और एंड, ठीक है, ये तो ठीक है। अब मुझे बताएं, देखिए डिपेंड करता है मैं पी किस स्टेटमेंट को लेता हूँ, क्यू किस स्टेटमेंट को लेता हूँ और आर किस स्टेटमेंट को लेता हूँ, इस तरीके से ट्रांसलेशन हर किसी की चेंज बन सकती है, ठीक है जी, वेरी बिल्कुल जो। हाँ, अब मुझे पहले पी किसको ले रहे हैं आप, यू कैन हैव फ्री कॉफी, पी आप ले रहे हैं, यू कैन, मैं लिख नहीं रहा हूँ, पी यू कैन हैव अ फ्री कॉफी, ओके, क्यू हम ले लें, यू आर सीनियर सिटीजन, यू आर सीनियर सिटीजन, ओके,
और आर इट इज ट्यूजडे आर ले रहे हैं इट इज अ ट्यूजडे ओके अब आपने लॉजिकल कनेक्टिव भी बता दी अब मुझे जरा ट्रांसलेशन बताएं सर एक सेकंड बस सर क्यू और फिर एंड का ऑपरेटर आ जाएगा और फिर आर आ जाएगा और ये ब्रैकेट में करके फिर एरो का साइन बना के इंप्लाइज पी आ जाएगा कौन इनसे एग्री करता है कौन नहीं करता जस्ट रेज जो इनसे एग्री नहीं करता वो रेज योर हैंड जो एग्री नहीं करता जी नहीं नाइम सॉरी इसमें हमारे पास क्यू इंप्लाइज पी होगा देन मल्टीपल कंजक्शन लगेगा उसमें एंड वाला ऑपरेटर लग के वो आ आएगा अच्छा कोई और म्यूट करें नाइम एनीवन एल्स हैंड रेज करें कहां गए बच्चे और कौन है जिनको लगता है कि ये गलत बता रहे हैं कोई भी नहीं है और किसको लगता है कि गलत बता रहे नहीं तो फिर मैं पूछना शुरू कर दूंगा जी उसामा एंड साथ सही बता रहे हैं सर करेक्ट है और कोई बेटा पहली बात कि ये बिल्कुल ठीक बता रहे हैं इसमें कोई इश्यू नहीं है सबसे पहली बात कि एंड तो बहुत आसान है यू आर सीनियर सिटीजन एंड इट इज ट्यूजडे दैट इज क्यू एंड आर एंड तो क्यू और आर के बीच में आएगा इसमें कोई इश्यू नहीं है उसके बाद ये जो पहली चीज जो भी बताई है दैट इज कंक्लूजन एक्चुअली ये लिखा हुआ है कंक्लूजन इफ हाइपोथेसिस कंक्लूजन इफ हाइपोथेसिस की फॉर्म में लिखा हुआ है सो कंक्लूजन इफ हाइपोथेसिस की फॉर्म में दैट मींस के जो पहली चीज लिखी हुई है दैट इज पी दैट इज कंक्लूजन और कंक्लूजन हमेशा एरो के बाद आती है तो पी एरो के बाद आएगा ये ठीक लिखा हुआ है इन्होंने और यहां पर ये जो भी चीज लिखी हुई है ये हाइपोथेसिस है सो इसमें कोई इशू नहीं है ये करेक्ट है अगर ये पेरेंथेसिस या ब्रैकेट्स नहीं भी लगाते तो भी करेक्ट था आई होप के क्लियर है और स्पेशली जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कोई इशू नहीं है तो ये स्टेप वाइज करके दिखा रहा है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं इफ और एंड इसने निकाला देन इसने ब्रेक द सेंटेंस इनटू एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस वो भी कर चुके हैं ये ए बी सी इसने लिया है हमने पी क्यू आर लिया था एंड देन बी एंड सी इम्प्लाइज ए किया है और इन्होंने क्यू एंड आर इम्प्लाइज पी किया था अब अपने पास जरा लिख लें मैं सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं बल्कि एक काम करें दो मिनट में ऑल ऑफ यू लीव दिस मीटिंग अदरवाइज यू विल बी मार्क्ड एब्सेंट मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूं वो ज्वाइन कीजिएगा विद इन टू मिनट्स लीव द मीटिंग ऑल ऑफ यू मैं चेक करना चाह रहा हूं कौन मीटिंग ज्वाइन करके घर के काम करने चला गया है All the parties.